तो चलिए शुरू करते हैं। वरुण राघव की बात सुन उसके कंधे पर हाथ रख रिलैक्स यार, ये चूजे हमारे शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा समय बबर शेर है और उसके सामने वधौन जैसे चूहे आते जाते रहते हैं। समय के सामने हमारी हालत चूहे जैसी हो जाती है तो ये का चीज है। राहुल वरुण की बात में आगे बोला, वो शेर नहीं राक्षस है जो लोगों का खून पीके जीता है, उसके सामने ये बाशु देसे लोगों कहा टिकने वाले हैं। राघव वरुण राहुल की बात सुन स्माइल कर समय वधौन का कोलवो देखने लगा। समय तापसी को अपने पीछे कर अपने बोधिगादर को वधौन को आने देने का इशारा किया। समय का इशारा मिलते ही समय के गादौस अपने आप पीछे हो गए। समय दो कदम आगे जाके वधौन के सामने खड़े होके अपने दोनों हाथ जेब में डाल उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, मेरे काम भले ही गलत हो लेकिन दूसरों के लिए वही काम लोगों के दिल में मेरे नाम का खौफ पैदा करने के लिए काफी है। लोगों मुझे अच्छा बोले चाहे ना बोले लेकिन डेविल जरूर बोलना चाहिए, बिकॉज आई एम बैड 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 डेविल। वधौन समय की इस बात पर हाथों की मुट्ठी कस गुस्से में समय को घुने लगा। साहिन पीछे से चल के अपने भाई समय के पास आके समय को देख बड़ी सी स्माइल करते हुए हाथ आगे बढ़ा के बोली, मिस्टर मल्होत्रा वेलकम टू माय बर्थडे पार्टी। समय बिना एक प्रयासन एक नजर साहिन को ऊपर से नीचे देख बिना उसे हाथ मिलाए अपने पीछे खड़ी तापसी की कमर पकड़ उसे अपने करीब कर लिया, जैसे उसे साहिन से हाथ मिलाने में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। समय के अचानक ऐसे पीछे से उसे आगे खींचने से तापसी सीधा समय के सीने से जा लगी। तापसी की आंखें अभी भी नीचे झुकी हुई थी। तापसी समय की सट को कसके पकड़ उसके सीने में अपना चेहरा छुपा के अपने दोनों हाथ समय की कमर पर लिपट लिए। तापसी तिरछी नजरों से साहिन को देखने लगी जो अभी भी हाथ आगे कर खड़ी होके समय को अपनी लस्ट भरी नजरों से घूर रही थी। तापसी साहिन की नजरें समय पर देख मुंह बना के समय की कमर पर अपने हाथ और कसके लिपट लिए। जैसे वो साहिन को दिखाना चाहती थी कि समय सिफे उसका है और वो सिफे उसे छू सकता है और किसी को नहीं। समय इमोशनलेस होके तापसी की कमर पर अपने हाथ की पकड़ कसके साहिन से बोला, हैप्पी बर्थडे मिस बासु एंजिए आपके लिए। समय के इतना बोलने पर एक आदमी आगे आके साहिन के हाथ में गिफ्ट का बॉक्स रख दिया। गिफ्ट बॉक्स ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन उसमें जो भी वो कुछ ज्यादा ही कीमती था और वो क्या है वो आज पार्टी में पता चलेगा जब वो बॉक्स खुलेगा। साहिन अपने हाथ में गिफ्ट बॉक्स देख उसे खुद की बुरी तरह इनसलेट होते हुए महसूस हुई। जैसे समय ने उसे हाथ ना मिला के उसे रिजेक्ट कर दिया हो, जैसे समय उसे हाथ मिलाएगा तो उसका हाथ गंदा हो जाएगा। साहिन को समय के ऐसे खुद को इग्नोर करते देख उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में दूसरे हाथ की मुट्ठी कसली। उसकी आंखों में इस वक्त तापसी किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। उसकी आंखों तापसी को देख आग जलने लगी, जिसे समय ने पहले ही नोटिस कर लिया था लेकिन कुछ कहा नहीं। उसे गुस्सा तो आ रहा था लेकिन उसने चेहरे पर आने नहीं दिया। समय ने तापसी को और कसके अपनी बाहों में भर वधौन को डेविल लुक देके दूसरी ओर चला गया। वधौन भी गुस्से में बिना साहिन को देख दूसरी ओर चला गया। वरुण राघव की बात सुन उसके कंधे पर हाथ रख रिलैक्स यार, ये चूजे हमारे शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा समय बबर शेर है और उसके सामने वधौन जैसे चूहे आते जाते रहते हैं। समय के सामने हमारी हालत चूहे जैसी हो जाती है तो ये का चीज है। राहुल वरुण की बात में आगे बोला, वो शेर नहीं राक्षस है जो लोगों का खून पीके जीता है, उसके सामने ये बाशु देसे लोगों कहा टिकने वाले हैं। राघव वरुण राहुल की बात सुन स्माइल कर समय वधौन का कोलवो देखने लगा। समय तापसी को अपने पीछे कर अपने बोधिगादर को वधौन को आने देने का इशारा किया। समय का इशारा मिलते ही समय के गादौस अपने आप पीछे हो गए। समय दो कदम आगे जाके वधौन के सामने खड़े होके अपने दोनों हाथ जेब में डाल उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, मेरे काम भले ही गलत हो लेकिन दूसरों के लिए वही काम लोगों के दिल में मेरे नाम का खौफ पैदा करने के लिए काफी है। लोगों मुझे अच्छा बोले चाहे ना बोले लेकिन डेविल जरूर बोलना चाहिए, बिकॉज आई एम बैड 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 डेविल। वधौन समय की इस बात पर हाथों की मुट्ठी कस गुस्से में समय को घुने लगा। साहिन पीछे से चल के अपने भाई समय के पास आके समय को देख बड़ी सी स्माइल करते हुए हाथ आगे बढ़ा के बोली, मिस्टर मल्होत्रा वेलकम टू माय बर्थडे पार्टी। समय बिना एक प्रयासन एक नजर साहिन को ऊपर से नीचे देख बिना उसे हाथ मिलाए अपने पीछे खड़ी तापसी की
कमर पकड़ उसे अपने करीब कर लिया जैसे उसे साहिन से हाथ मिलाने में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। समय के अचानक ऐसे पीछे से उसे आगे खींचने से तापसी सीधा समय के सिने से जा लगी। तापसी की आंखें अभी भी नीचे झुकी हुई थी। तापसी समय की सट को कसके पकड़ उसके सिने में अपना चेहरा छुपा के अपने दोनों हाथ समय की कमर पर लिपट लिए। तापसी तिरछी नजरों से साहिन को देखने लगी जो अभी भी हाथ आगे कर खड़ी होके समय को अपनी लस्ट भरी नजरों से घूर रही थी। तापसी साहिन की नजरें समय पर देख मुंह बना के समय की कमर पर अपने हाथ और कसके लिपट लिए। जैसे वो साहिन को दिखाना चाहती थी कि समय सिर्फ उसका है और वो सिर्फ उसे छू सकता है और किसी को नहीं। समय इमोशनलेस होके तापसी की कमर पर अपने हाथ की पकड़ कसके साहिन से बोला, हैप्पी बर्थडे मिस बासु एनजीए आपके लिए। समय के इतना बोलने पर एक आदमी आगे आके साहिन के हाथ में गिफ्ट का बॉक्स रख दिया। गिफ्ट बॉक्स ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन उसमें जो भी वो कुछ ज्यादा ही कीमती था और वो क्या है वो आज पार्टी में पता चलेगा जब वो बॉक्स खुलेगा। साहिन अपने हाथ में गिफ्ट बॉक्स देख उसे खुद की बुरी तरह इनसलेट होते हुए महसूस हुई। जैसे समय ने उसे हाथ ना मिला के उसे रिजेक्ट कर दिया हो। जैसे समय उसे हाथ मिलाएगा तो उसका हाथ गंदा हो जाएगा। साहिन को समय के ऐसे खुद को इग्नोर करते देख उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में दूसरे हाथ की मुट्ठी कसली। उसकी आंखों में इस वक्त तापसी किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। उसकी आंखों तापसी को देख आग जलने लगी जिसे समय ने पहले ही नोटिस कर लिया था लेकिन कुछ कहा नहीं। उसे गुस्सा तो आ रहा था लेकिन उसने चेहरे पर आने नहीं दिया। समय ने तापसी को और कसके अपनी बाहों में भर वधौन को डेविल लुक देके दूसरी ओर चला गया। वधौन भी गुस्से में बिना साहिन को देख दूसरी ओर चला गया। तापसी कब से ऐसे ही बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। एक तो वो पार्टी में आई थी ऊपर से पार्टी कम बोरिंग इवेंट ज्यादा लग रही थी। वो पार्टी को पूरी तरह इंजॉय करना चाहती थी लेकिन समय के सामने उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो वहां होके भी एक सोफे पर बेजान गुड़िया के जैसी बेदी हुई थी। कोई भी उसे बात नहीं कर रहा था। ऊपर से समय ने राहुल वरुण को भी उसे बात करने से मना कर दिया था। समय भी अपने फोन में बिजी था। उसने भी अपनी बटरफ्लाई पर ध्यान नहीं दिया सिर्फ उसे खुद से चिपका के बैठा दिया। जैसे वो उसका सॉफ्ट टॉय हो जिसे उसे पकड़ कर रखना है और खुद से दूर नहीं जाने देना। लेकिन समय ये भूल चुका था कि उसकी बटरफ्लाई कोई सॉफ्ट खिलौना नहीं एक जीती जागती इंसान है। उसे भूख लगती है प्यास लगती है। तापसी लगातार पार्टी में आए लोगों को देख रही थी या यूं कह लो अपनी मासूम झीलसी आंखों से घूर रही थी। पार्टी में कुछ बिजनेसमैन एक और खड़े होके बात कर रहे थे तो कुछ दूसरी कुछ ड्रिंक कर रहे थे तो कुछ लड़की ओके साथ फ्लट कुछ तो डांस भी कर रहे थे। पार्टी में हर एज के बिजनेसमैन आए हुए थे। कुछ 25-26 साल के थे तो कुछ 45-56 बड़ी एज के बिजनेसमैन अपने साथ अपने बच्चों को भी लेके आए थे। कुछ बिजनेसमैन अपने बेटों को लाए थे तो कुछ अपनी बेटियों को। बिजनेसमैन अपनी लड़कियों को छोटे कपड़े पहना के अच्छे से तैयार कर लेके आए थे जिसे उनकी लड़कियां वहां आए बड़े बिजनेसमैन को फंसा सके उनके बेटों के साथ रिश्ते बना सके जिसका फायदा उनको अपने बिजनेस को ग्रो करने में हो सकता है। ज्यादातर ऐसी बर्थडे पार्टी बिजनेस पार्टी में ज्यादातर बिजनेसमैन ऐसा ही करते हैं। वो अपनी बेटियों से बड़े बिजनेसमैन के साथ रिश्ता बनाने को कहते हैं जिसे उनका बिजनेस आगे बढ़ सके। पार्टी में आई हुई लड़की या अपने अपने ग्रुप बना के बातें कर रही थी। कुछ लड़की या वहां आए बड़े बड़े बिजनेस को तार रही थी तो कुछ चोरी छुपे समय को देख रही थी। कुछ कपड़ों का शो ऑफ कर रही थी तो कुछ ज्वेलरी का। तापसी को भी उन सबके पास जाके उनसे बातें करनी थी उनसे दोस्ती करनी थी लेकिन समय से पूछने की उसमें थोड़ी भी हिम्मत नहीं थी। तापसी अपने पास बैठे समय को एक नजर देख मायूस होके सर झुका लिया। राहुल वरुण तापसी का मुरझाया हुआ चेहरा देख खुद को रोक नहीं पाए। वरुण वेटर के पास जाके कुछ खाने की प्लेट लेके आया वो भी खुद चेक करके कि कहीं किसी ने उसमें कुछ मिला तो नहीं दिया हो। राहुल तापसी से बात करने की कोशिश करते हुए उससे दो कदम की दूरी बना के बोला, क्यूटी आपको कुछ चाहिए कुछ खाना है या कुछ पियोगी? वरुण तापसी के सामने टेबल पर और एक जूस और कुछ खाने की डिश रख क्यूटी पाए देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वरुण ने टेबल पर कुछ फ्रेंच डिश और कुछ इटालियन डिश रखी थी जिसके बारे में तापसी को दूर दूर तक कोया
अंदाजा नहीं था, यहाँ तक उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसके सामने रखा गया है। तापसी कभी टेबल पर रखे खाने को देखती तो कभी अपने दोनों भाई को। वरुण राहुल की आवाज सुन समय की भी नजरें तापसी पर चली गई। अपने मासूम बच्चे का ख्याल आते ही समय ने फोन जेब में रख तुरंत तापसी को उठा के गोद में बिठा लिया। ये सब समय ने इतनी जल्दी किया कि तापसी के साथ वरुण राहुल भी सोकत हो गए। तापसी की आंखें हैरानी से भरी हो गई, वो तुकुर तुकुर समय को देखने लगी। समय तापसी के गाल को उंगली से सहला के प्यार से बोला, सॉरी बटरफ्लाई, में थोड़ा बिजी हो गया था, मेरा अपने छोटे बच्चे पर ध्यान ही नहीं रहा। मेरे छोटे बच्चे को भूख लगी है, क्या खाओगी बताओ, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। तापसी समय की ऐसी बात सुन आंखें और बरी कर समय के चेहरे को गौर से देखने लगी। उसे इस वक्त समय समय नहीं होया और लग रहा था। यही सेम हाल वरुण राहुल का भी था, वो दोनों तापसी से ज्यादा सोकत थे। समय की ऐसी बातें, उसका इतने प्यार से बोलना दोनों को सोकत दे रहा था। वरुण इतना सोकत हो गया कि वो सीधा जाके समय के सर पर हाथ रख उसे चेक करते हुए बोला, भाई तू ठीक तो है, कहीं तुझे बुखार बुखार तो नहीं हो गया या कहीं कोई चोट वोट तो नहीं लगी सर पर। वरुण ये बोलते हुए समय के सर को चेक करने लगा। उसने चेक करने में समय के सारे बाल बिगाड़ दिए, यहाँ तक उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसे तापसी से 10 कदम की दूरी पर रहना था। वरुण ने सोते हुए ये शेर के मुंह में हाथ डाल दिया था, जिसका एहसास अभी तो उसे नहीं था लेकिन जल्दी होने वाला था। समय गुस्से में वरुण को अपनी जलती नजरों से घूर रहा था। राहुल तो पहले ही समय के ओरे को महसूस कर उसे 2 कदम की दूरी पर खड़ा हो गया था। राहुल वरुण को रोकना चाहता था लेकिन वो खुद शेर के पंजे में नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने दूर बनाने में भलाई समझी। राघव जो उनकी ओर ही आ रहा था, उसने जब वरुण को समय तापसी के इतने करीब देख घबरा गया। उसकी आंखें तब और बड़ी हो गई जब उसने समय की ओर देखा, जो इस वक्त गुस्से में कभी भी फटने वाला था। राघव समय की लाल आंखों को देख बिना देर किए भागकर समय के पास आके वरुण का कॉलर पीछे से पकड़ वरुण को समय तापसी से दूर खींच लिया। वरुण कुछ समझ पाता उसे पहले राघव ने उसे समय से 10 कदम की दूर पर घसीट लिया। वरुण खुद को घसीटा जाता देख गुस्से में चिल्ला के बोला, अबे ओए किसी गिधर की मौत आई है जो वरुण मित्तल का कॉलर पकड़ने की हिम्मत कर रहा है। राघव वरुण की बकवास सुन उसे अपनी ओर घुमा के दांत पीस के बोला, अपनी जिंदगी से इतनी जल्दी छुटकारा पाना चाहते हो तो पहले ही बता देते, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी ये विश पूरी कर देता। वरुण राघव का हाथ अपनी कॉलर से छुरा के राघव को देख बोला, अबे यार ये कौन सा तरीका है, राघव ऐसे कौन किसी को बुलाता है। राघव उसकी हरकत देख अपने हाथ फोल्ड कर दांत पीस के, और तू अभी क्या कर रहा था, कहा खड़ा था। वरुण नॉर्मल होके अपनी कॉलर ठीक करते हुए बोला, क्या कर रहा था मतलब क्या है, मैं समय को चेक कर रहा था कि कहीं उसे कहीं लगी तो ना। वरुण बोलते बोलते रुक गया। अब जाके उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी क्या हरकत की है। वरुण सीधा राघव के ऊपर कूद गया, वो बिना समय की ओर देखे तुरंत राघव पर चढ़ गया। वरुण के ऐसे अचानक कूदने से राघव का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया लेकिन वो गिरा नहीं, वो गिरने से पहला खुद को संभाल लिया। वरुण ने अपने दोनों हाथ राघव के गले में लिपट लिए और फिर राघव की कमर पर। वरुण सबके सामने राघव से ऐसे चिपका हुआ था जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ से चिपक कर रहता है। राघव वरुण को सपोर्ट देने के लिए उसकी कमर पकड़ गुस्से में दांत पीस के बोला, वरुण ना नीचे उतर। वरुण राघव को कसके पकड़, नहीं मैं नहीं उतरूंगा वरना वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे बचा ले मेरे भाई, मुझे उसे बचा ले, वरुण रोते हुए राघव से बोलने लगा। राघव वरुण की हरकत देख और चिढ़ गया, उसने वरुण को नीचे उतारने की पूरी कोशिश की लेकिन वरुण किसी फेविकोल गम की तरह राघव से चिपक गया। राघव वरुण से पूरी तरह इरिटेट हो चुका था, उसने थक हार के समय की ओर देखा जो उनको ना देख तापसी को खाना फैला रहा था। राघव वरुण से इरिटेट होके दांत पिस के बोला, वरुण मेरे भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ नीचे उतर, मैं तुझे और थोड़ी देर ऐसे पकड़ा तो मेरी कमर टूट जाएगी, प्लीज मेरे बाप नीचे उतर। वरुण ना में सर हिला के बोला, झूठ मत बोल, मेरा वजन इतना नहीं जो तू मुझे उठा नहीं सकता, तू जिम में कितना वजन उठाता है, उसे तो मेरा वजन काफी कम है। दोनों की बकवास सुन समय जो कब से खामोश था उसका सबर भी जवाब दे गया।
समय की कोल्ड वॉइस वरुण राघव के कानों पर पड़ते ही दोनों चुप हो गए। समय दोनों से कह रहा था बकवास बंद करो। दोनों वरुण समय की दहार सुनते ही जट से राघव से अलग होके सर झुका के खड़ा गया। समय कोल्ड वॉइस में राघव से जाके अपना काम करो और इन दोनों जोकर को भी कोया काम पकड़ा दो वरना ये बेवकूफ अपना पूरा बिजनेस डुबा देगा। दूसरी ओर वधौन अपने असिस्टेंट हामिद को गेस्ट को हैंडल करने को बोल किसी को पता चले बिना ऊपर चला गया। ऊपर का माहौल काफी खराब हो चुका था जिसे संभालने के लिए वधौन का ऊपर जाना जरूरी था। ऊपर साहिन ने अपना पूरा हाल बुरा कर दिया था। कमरे की हर चीज अब तक तुत के बिखर चुकी थी। यहाँ तक साहिन ने खुद को भी काफी चोट लगा दी थी। उसने अपनी पहनी पूरी ड्रेस उसने काट दी थी वो अब थाई तक कटी चुकी थी। बन खुल चुका था, बाल बिखर चुके थे, आंखों का काजल फैल चुका था, होठों से लिपस्टिक भी फैल चुकी थी, पूरा मेकअप बिगड़ चुका था। वो इस वक्त बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कोई मूवी की चुड़ैल हो। चुड़ैल कहना भी कुछ गलत नहीं होगा, वो सच में चुड़ैल लग रही थी। जैसी उसकी हालत थी उसे देख कोई भी बच्चा डर जाए, बच्चा क्या बड़े तक डर जाए। वानी और साहिन की दो दोस्त साहिन की हालत देख डर के मारे पीछे खड़ी थी। वानी ने साहिन को रोकने की समझा ने की काफी कोशिश की लेकिन साहिन ने उसकी एक नहीं सुनी। ऊपर से उसने वानी को भी चोट दे दी। वानी के राइट शोल्डर पर वास लगा था जिसे साहिन ने अपने गुस्से के चक्कर में वानी पर दे मारा था। वानी उसे बच पाती उसे पहले वो वास उसके कंधे पर लगा। वानी अपना कंधा पक खड़ी थी, उसे हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। दर्द भी इतना हो रहा था कि उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो हाथ की उंगली भी हिला सके। उसे इतना दर्द हो रहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता लेकिन उसने दर्द चेहरे पर आने नहीं दिया। साहिन कुछ और तोड़ती तब तक वधौन वहां आके साहिन को पीछे से पकड़ लेता था। साहिन खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाते हुए बोली लिव मी अलोन भाई छोड़ो मुझे। वधौन साहिन को और कसके पकड़ नहीं छोड़ूगा, पहले तू शांत हो जा फिर मुझसे बेथके बात कर। क्या बात करूं भाई क्या बात करूं, साहिना चिल्ला के बोली। साहिन खुद को छुड़ाने के लिए फिर से छटपटाने लगी। वधौन अपनी बहन की हालत देख उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा उसे किसी और पर नहीं खुद पर आ रहा था कि क्यों उसने समय के बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं की, क्यों उसने उसे यहाँ बुलाया आखिर क्यों। साहिन जोर जोर से रोते हुए घुटनों पर बैठ गई। वधौन भी उसके साथ उसे पीछे से बाहों में भरे हुए नीचे बैठ गया। साहिन रोते हुए तेज चिखी आ, साहिन और तेज रोने लगी। वधौन अपनी आंखें कसके बंद कर उसे कसके पकड़ रखा। साहिन रोते हुए अपने बाल नोच के बोली भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों भाई आपकी बहन का प्यार अधूरा रह गया, क्यों वो किसी और को अपने साथ लेके आया, क्यों उसकी लाइफ में मैं नहीं कोई और है आखिर क्यों। भाई आपकी साही तो सबसे सुंदर है, मैं तो उस लड़की से भी अच्छी लगती हूँ, फिर भी समय ने उसे चुना मुझे नहीं, मैं तो हॉलीवुड की टॉप मॉडल में से एक हूँ, फिर भी उसने मुझे रिजेक्ट किया आखिर क्यों। आपने देखा उसने तो मुझसे हाथ तक नहीं मिलाया, हाथ मिलाना तो दूर, उसने मेरी सबके सामने इनसलेट तक कर दी। मेरे हाथ को इग्नोर कर उसने उस लड़की को अपने करीब अपने सीने से लगा लिया। जैसे में कोई गंदी चीज हो जिसे वो छुएगा तो गंदा हो जाएगा। भाई मुझे समय चाहिए भाई, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, अगर वो मेरा नहीं हुआ तो आप मुझे गोली मार दो, ऐसे उसके बिना जीने से अच्छा मुझे इस दुनिया से आजाद कर दो भाई, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे वो चाहिए, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। वधौन साहिन के मुंह से मरने की बात सुन गुस्से में साहिन को अपनी ओर घुमा के चिल्ला के बोला क्या कहा तूने, मैं तुझे गोली मार दूँ, तू चाहती है तेरा भाई अपनी बच्ची को मार दे, तुझे अपने इन हाथों से पाला, उन हाथों से तेरी जान ले ले, ऐसा तू सोच भी कैसे सकती है साहिन की मैं अपनी बच्ची को मार सकता हूँ, तू मेरी जान है, तेरी खुशी के लिए मैं पूरी दुनिया झुकाने की हिम्मत रखता हूँ और तू उसी भाई से मरने की बात कर रही है, कैसे बच्चा कैसे, तू ये सब कैसे बोल सकती है, तो क्या करूँ भाई क्या करूँ, अपने प्यार को छोड़ दूँ उसे, भूल जाऊँ, लेकिन कैसे भाई कैसे, मैं उसे नहीं भूल सकती, मुझे वो चाहिए। आपने देखा नहीं समय ने उस लड़की को खुद से ऐसे चिपका के रखा था जैसे कोई उसे छीन लेगा, साहिन ने रोते हुए कहा। साहिन किसी साइको की तरह बिहेव कर रही थी। वो वधौन से अलग होके खड़ी होके बोली भाई मुझे कुछ नहीं पता आप क्या करोगे, मैं क्या करूंगी, लेकिन मुझे एक बात पता है कि मुझे वो चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कि मैं खुद को कुछ
करूँ तो आप मुझे उसे हासिल करने में मदद करोगे, जैसा मैं बोलूँगी आप वो सब करोगे, मुझे किसी भी कीमत समय को हासिल करना है, इसलिए चाहे मुझे उस लड़की की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। विधौन अपनी बहनों साइको की तरह बिहेव करते देख खड़ा होके साहिन के चेहरे को हाथों में भर के बोला, तू जो बोलेगी मैं करूँगा, तुझे जो करना है कर, जी से मारना है मार, में सब संभाल लूंगा, लेकिन कभी खुद को मारने की बात मत करना, तुझे समय चाहिए तो मैं तुझसे वादा करता हूँ वो तुझे मिलेगा, उसकी जिंदगी से मैं हर लड़की को मिटा दूंगा, उसके जिंदगी में कोई लड़की रहेगी तो वो सिर्फ तुम होगी, तुम ही मिसिस साहिन समय मल्होत्रा बनोगी। साहिन विधौन की बात सुन जोर जोर से हंसने लगी, उसकी हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, उसकी हंसी की आवाज से पूरे कमरे में खोमिश छा गई, विधौन के चेहरे पर भी एक अजीब सी स्माइल थी। हॉल में समय तापसी के साथ पार्टी में सबके सामने रोमांस कर रहा था, सबकी नजरें ना चाहते हुए भी समय पर जा रही थी। तापसी जो इस वक्त समय की गोद में बेदी थी, उसे सबकी नजरें खुद पर महसूस कर काफी शर्म आ रही थी, उसकी नजरें तो पहले से झुकी हुई थी, उसके गाल कान पूरा चेहरा किसी पके हुए टमाटर जैसा हो चुका था। समय उसके साथ हरकत ही ऐसी कर रहा था कि किसी को भी शर्म आ जाए, समय कभी तापसी के गालों को किस करता तो कभी उसके होठों को, उसके दोनों हाथ तापसी के कमर पर लिपटे हुए थे, उसके होठ तापसी के होठों से होते हुए उसके कंधे पर चल रहे थे, वो उसके कंधे पर भी किस करने लगे, वो किस भी इस तरह कर रहा था कि तापसी की ना चाहते हुए भी आहें निकल जाती थी, जो पार्टी में आए हुए सारे गेस्ट को सुना दे रही थी। पार्टी में चल रहा म्यूजिक इतना स्लो था कि तापसी की मदहोश करने वाली आवाज सब अच्छे से सुन सकते थे। राहुल, वरुण, राघव दूर खड़े होके ये सब देखते, राघव की तो नजरें ही नहीं उठ रही थी, उसे इस वक्त काफी शर्म आ रही थी। राहुल का मूड समय की हरकत देख पूरी तरह चिरा हुआ था, राहुल का बस चलता तो वो अपनी बहन को इस बेशम आदमी से कब का दूर कर देता, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं था। राहुल मुंह बना के बोला, थरकी कहीं का जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं है, इसमें मेरी मासूम बहन का फायदा उठाने के लिए कहीं भी शुरू हो जाता है, बेशम आदमी जगह वक्त भी नहीं देखता, सही जगह और वक्त तो देसे उसे पता ही नहीं है। वरुण राहुल की बात पर वाइन का ग्लास खाली कर टेबल पर रख के बोला, उसे शर्म क्या होती है, उसका मतलब भी नहीं पता, वो करता वही है जो उसे करना होता है, फिर चाहे उसे देख लोग कुछ भी क्यों ना बोले। हम जिस समय को बचपन में जानते थे, ये वो समय नहीं रहा, ये अब एक तूफान बन चुका से। तापसी समय के हाथ पर हाथ रख उसे रोकते हुए धीमी आवाज में बोली, पर प्लीज ऐसा मत कीजिए, सब हमें देख रहे हैं। समय अपनी नाक तापसी के गले पर रबकर अपनी मदहोसी भरी आवाज में बोला, आई डोंट केयर बटरफ्लाई, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी बटरफ्लाई से, जो मुझे इस वक्त पूरी तरह से ड्यूस कर रही है, इस बेकार सी पार्टी से मरा मूड खराब हो चुका है, इसलिए मुझे अपनी बटरफ्लाई के साथ रोमांस करना है। इस बेकार से म्यूजिक से अच्छा मुझे अपनी बटरफ्लाई का कराहना सुनना है, आई वॉन्ट एम राइट नाउ बटरफ्लाई। समय इतना बोल तापसी के कंधे पर हल्के से बाइट कर लिया, जिसे तापसी की ना चाहते हुए भी आह निकल गई। तापसी समय की बातें सुन शम से पानी पानी हो गई, फिर अभी उसने हिम्मत करके कहा, आप घर जाके नहीं कर सकते, घर जाने में अभी टाइम है, तब तक मैं वेट नहीं कर सकता, समय ने तापसी के बालों से खेलते हुए कहा। समय अपनी नाक तापसी के गले पर रबकर अपनी मदहोसी भरी आवाज में बोला, आई डोंट केयर बटरफ्लाई, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी बटरफ्लाई से, जो मुझे इस वक्त पूरी तरह से ड्यूस कर रही है, इस बेकार सी पार्टी से मरा मूड खराब हो चुका है, इसलिए मुझे अपनी बटरफ्लाई के साथ रोमांस करना है। इस बेकार से म्यूजिक से अच्छा मुझे अपनी बटरफ्लाई का कराहना सुनना है, आई वॉन्ट एम राइट नाउ बटरफ्लाई। समय इतना बोल तापसी के कंधे पर हल्के से बाइट कर लिया, जिसे तापसी की ना चाहते हुए भी आह निकल गई। तापसी समय की बातें सुन शम से पानी पानी हो गई, फिर अभी उसने हिम्मत करके कहा, आप घर जाके नहीं कर सकते, घर जाने में अभी टाइम है, तब तक मैं वेट नहीं कर सकता, समय ने तापसी के बालों से खेलते हुए कहा। तापसी आगे कुछ बोलती उसे पहले समय तापसी को ऐसे ही गोद में उठा के पार्टी से बाहर निकल गया, उसके पीछे समय के कुछ गादोस भी बाहर आ गए, राघव भी उन सब में आगे था, सारे गेस्ट को समय के बाकी गादर ने अंदर ही रोका था। समय राघव की ओर बिना देखे बोसी टोन में बोला, जाके पार्टी देखो, यहाँ तेरा कोई काम नहीं है,
उसकी बात सुन राघव सर हिलाके कुछ गादौस को वही छोड़ पार्टी में वापिस आ गया। समय तापसी को लेके सीधा अपनी कार में गया। समय की कार लिमिटेड एडिसन में से एक थी। समय जैसी कार पूरे अमेरिका में किसी के पास नहीं थी। समय तापसी को बेक सीट पर लेता के खुद भी अंदर आ गया। समय के गादौस कार से थोड़ी दूरी पर कार की ओए पिट करके खड़े हो गए। समय अपना कोट निकाल आगे की सीट पर फेंक दिया। वो अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए पीछे की सीट को थोड़ा एडजस्ट कर वो तापसी के पैरों के पास घुटनों पर बैठ गया। तापसी को इस वक्त उसे नजरे तक मिला नहीं रही थी। उसे समय पर गुस्सा और खुद की हालत पर शर्म दोनों आ रही थी। समय तापसी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों तापसी के लिए डिजायर साफ नजर आ रही थी। उसे की हेजल आंखें हल्की हल्की लाल भी हो चुकी थी, जिसे साफ पता चल रहा था कि उसे कितनी बुरी तरह तापसी चाहता है। तापसी अपनी आंखें कसके बंद कर अपने नाखून से सिट को स्क्रैच कर रही थी। समय के हाथ तापसी के शरीर को सहला रहे थे। तापसी ने अपनी शर्ट भी निकाल दी थी। वो तापसी को एक नजर ऊपर से नीचे देख उसके गाउन को लगभग फाने ही वाला था कि तापसी की मीठी सी सॉफ्ट सी आवाज उसके कान पर गई, जो कह रही थी, आप प्लीज मेरे कपड़े मत फाना वरना फिर से नए मंगवाने पड़ेंगे, और मैं नहीं चाहती किसी को ये सब पता चले कि हम तापसी बोलते बोलते रुक गई। समय अपनी मासूम खरगोश की बात सुन उसका हाथ पकड़ उसे बिठा के उसे अपने सीने से लगा लिया। तापसी समय के सीने में अपना लाल चेहरा छुपाने लगी। उसे लग रहा था समय अब कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। समय उसके बालों को साइड कर पीछे से तापसी के गाउन की जीप एक सेकंड में खोल दी। तापसी कुछ समझ पाती उसे पहले तापसी का गाउन आगे की सीट पर था और समय ने बाकी कपड़े भी निकाल दिए थे। अब कार में तापसी की मदहोसी भरी आवाजें आना शुरू हो गई, जो समय के अंदर के जानवर को और उत्तेजित कर रही थी। तापसी समय की कमर की सवारी कर रही थी। समय खुद सीट पर लेट तापसी की कमर पकड़ उसके होठों को वाइल्डली किस कर रहा था। तापसी समय का पूरा साथ दे रही थी। उसे काफी दर्द हो रहा था, फिर भी वो समय का पूरा साथ दे रही थी, क्योंकि समय ने उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। अगर वो समय का साथ नहीं देती, समय सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो उसे छोड़ता नहीं। इसलिए ना चाहते हुए भी तापसी को समय का साथ देना पड़ा। एक घंटे तक समय तापसी अपनी जुनून भरी दुनिया में खोए रहे। समय तापसी को अभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। वो उसे और बुरी तरह चाहता था, लेकिन उसने जगह और हालत देख उसे छोड़ दिया। तापसी अलग होके उसने तापसी को देखा, जो पूरी तरह पसीने से लटपट थी। उसके बाल बिखर चुके थे, होंठ की लिपस्टिक भी मिट चुकी थी। उसके गले कोलबोन पर लव बाइट के निशान बन चुके थे। समय पहले खुद के कपड़े पहने, फिर तापसी को फिरे रेडी किया। इस बार तापसी के बालों को खुला ही छोड़ा था। तापसी को इस वक्त काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। समय शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, खरगोश के बच्चे अभी तो छोड़ रहा हूँ, रात को नहीं छोड़ूंगा, रात के लिए तैयार रहना। तापसी उसकी इस बात हैरान होके आंखें फाड़े समय की ओर देखने लगी। समय तापसी की झील सी आंखों में खुद की छवि देख हल्के से स्माइल कर उसके होठों को एक और बार चुम लिया। समय तापसी को लेके वापिस पार्टी में आ गया। इस वक्त उसका चेहरा इमोशनलेस था। वही तापसी के चेहरे पर एक अलग ग्लो था। तापसी आते वक्त भी समय की गोद में थी, क्योंकि उसे चलने में दर्द हो रहा था, इसलिए समय ने उसे कार से ही गोद में उठा लिया था। समय ने एक घंटे में ही तापसी की हालत बुरी कर दी थी। तापसी के दोनों पैर कांप रहे थे, उसे चलना तो दूर खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। साहिन वधौन वानी भी पार्टी में आ चुके थे। साहिन समय की बाहों में तापसी को देख अंदर ही अंदर जल रही थी। उसका बस चलता तो वो अभी तापसी को उठा के बाहर फेंक देती, लेकिन वो वैसा नहीं कर सकती थी, वरना वो समय को हमेशा के लिए खो सकती थी। समय तापसी के साथ फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। तापसी को अभी भी अपनी गोद में बिठाया था। साहिन की नजरें समय पर ही टिकी हुई थी। उसके पास खड़ी वानी की हालत अब खराब हो चुकी थी। वानी की आंखों में अब दर्द दिखने लगा था। उसे दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था। उसकी चोट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक वधौन ने भी नहीं, जो वधौन वानी को अपनी गर्लफ्रेंड बोलता है। उसे उसका दर्द तक नहीं दिख रहा था। उसे अपनी पागल बहन का दर्द दिख रहा था, लेकिन वानी के दर्द से देसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वानी सबसे दूर होके एक कोने में खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें।
सो अभी कहानी जारी रहेगी. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कॉमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके. एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे.